perfect harmony. हेलो एवरीवन, तो नेट ब्लॉग्स के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। फाइनली आपको आज हम लेके आए MM, जो कि मलाड स्टेशन के काफ़ी पास में है। फाइनली हमें यहाँ का वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। और यस, आज यहाँ पे स्पेशलिटी ये है कि ये मिठाई के लिए फेमस है। तो है, मेरी फेवरेट है यहाँ की लस्सी और वड़ा पाव, पाव भाजी, जो भी आप बोलो। मेरी फेवरेट काजू कतली। तो सारी चीज़ें हम आपको आज यहाँ पे दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हो कितनी रौनकदार दुकान है यहाँ पे, रोशनी रोशनी हर जगह। हर एक चीज़ के लिए सेपरेट काउंटर है और यहाँ काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। आप देख सकते हो कोविड की प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ में, जो कि है मास्क पहन रखा है और सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। और मिठाइयाँ तो यार यहाँ की आप देखो यार, इन मिठाइयों को खाया जाए या सजाया जाए घर में समझ में नहीं आता। आप देख लीजिए, जैसे कि आइए, ये सारा जो कि एक काजू कतली है, जैसे कि सभी फेमस है ये। और इसमें आप देख सकते हो कितनी सारी वैरायटीज़ हैं और कितने सारे इसमें क्या बोले पैटर्न्स हैं, कलर्स हैं, कलरफुल हैं बहुत ही। और आपको आगे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम दिखा देते हैं, तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे MM के आशीष भाई हैं। थैंक यू सो मच भाई, आज हमें यहाँ गाइड करने के लिए। तो आशीष भाई, आज सबसे पहले मैं आपके साथ ट्राई करना चाहूँगा यहाँ की फेमस लस्सी। तो कौन कौन से फ्लेवर है लस्सी में? हमारे पास सादा लस्सी है, पीसा लस्सी है। ओके, तो आ चुकी है हमारे पास यहाँ की केसर लस्सी। MM की पैकेजिंग आप देख सकते हो, MM की खुद की है, तो ब्रांड ही ब्रांड, क्या बात है। क्या आ गया गोल्डन का हमारे पास स्पून। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले केसर लस्सी। तो आशीष भाई, यहाँ का आपको सबसे फेवरेट क्या लगता है? MM की लस्सी फेमस है सर। बहुत सही, तो हमारी पसंद भी काफ़ी पसंदीदा है सबकी, जो कि यहाँ पे है MM की लस्सी। आप देख सकते हैं जैसे लस्सी में होना चाहिए स्टार्टिंग में, क्या बोलते हैं, काफ़ी अच्छा बढ़िया मलाई है ऊपर। और इसको पूरा खोले देते हैं ताकि आप अच्छे से इसका लुक ले सकें। और MM आ रहे हो यार, तो आप कुछ भी यहाँ पे खा लो, कुछ भी ले लो घर के लिए, लेकिन आप जो कि है यहाँ की लस्सी ट्राई बगैर किए बिल्कुल मत जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मलाई के साथ पहला स्पून और एक बाइट, बढ़िया। तो हमारे संकेत भाई अभी ट्राई कर रहे हैं, कैसी लगी? बहुत रिफ्रेशिंग लग रही है। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं ना? बिल्कुल, MM की लस्सी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। बिल्कुल, हर बार कहीं ना कहीं लस्सी खाने आते हैं। अच्छा यार, कभी MM की ट्राई करना, आज ट्राई के लिए सच में यार यहाँ की लस्सी की बात अलग है। भाई समोसा पाव देना एक। लो भाई, यहाँ अभी MM का समोसा पाव, चटनी भी यहाँ पे तीखी चटनी मीठी चटनी है ही, समोसा भी बहुत काफ़ी बड़ा लग रहा है इनका। पाव 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 तो जम्बो पाव के हिसाब से लग रहा है यार, लेकिन और गरम गरम सब हो रहा है यहाँ पे। तो सिर्फ मिठाई नहीं, तो फास्ट फूड के लिए भी MM बहुत फेमस है। चलिए लेते पहला बाइट। तो हमेशा की तरह जैसे हम मुंबई वाले एक्सपेक्ट करते हैं ये वड़ा पाव या समोसा पाव, पाव हमेशा सॉफ्ट चाहिए और अंदर का माल एकदम भरा हुआ, ये वही वड़ा पाव, ये वही समोसा पाव है यार। इसमें अंदर का पूरा फीलिंग अच्छा खासा है, पाव एकदम सॉफ्ट है और जैसे चाहिए वैसा ही है, मजा आ गया। तो जरूर ट्राई करना MM का समोसा पाव। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये सारे स्टेट्स के यहाँ पे फेवरेट फूड्स, आई गेस ये राजस्थानी आइटम है, केवर है, केवर ना है ना, केसर केवर बोलते हैं, राजस्थानी आइटम है, सब लोग पसंद करते हैं। हाँ, फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या दिखाना चाहेंगे? फ्रूट आइटम दिखा देंगे। बढ़िया, यहाँ पे काजू कतली का मैंने जैसे कि आपको दिखाया है, मिक्स मिठाई के बॉक्सेस है, बिल्कुल हमारे ड्राई फ्रूट्स आइटम है। क्या बात है, और ये मोतीचूर लड्डू, स्पेशल लड्डू, ड्राई फ्रूट लड्डू, और बड़ी बूंदी लड्डू में आएंगे, काजू कतली भी है यहाँ पे, केसर काजू कतली है और काजू कतली, रेगुलर काजू कतली, वरना इसमें हमारे पास वो भी है काजू कतली, गाढ़ा काजू कतली, पिस्ता रोल में आ जाएगा काजू रोल, पिस्ता रोल। तो काजू कतली की अगर आप मेरे जैसे फैन है, तो यहाँ पे काजू कतली की भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, पिस्ता रोल में मिल जाएगा, काजू रोल में मिल जाएगा, थिक काजू हो जाएगा, क्या बात है, अंजीर कतली मिल जाएगी, अंजीर कतली भी है यहाँ पे, तो काफ़ी वैरायटीज है यहाँ पे, जैसे बादामी हलवे के भी बहुत शौक है। हाँ, बादामी हलवे भी मिलते हैं, क्या बात है, बादामी हलवे में भी बहुत सारी वैरायटी जी, बिल्कुल। आगे आपको दिखा देते हैं यहाँ पे बादामी हलवे का भी, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे इतनी वैरायटीज हैं कि हर एक मिठाई के लिए आप समझ सकते हैं। तो इट्स टाइम फॉर कस्टमर रिव्यू। हमारे साथ यहाँ पे हैं रावल आयशा, क्या बात है। तो आयशा, आज आपने क्या ट्राई किया है यहाँ पे? मैंने देखो MM की लस्सी ट्राई की है, नाइस, बहुत ही अच्छी है। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे आती हूँ और खाती भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे एक बार विजिट करें, खाएं, बहुत अच्छा है। हर एक चीज़ आपको मेरे ख्याल से चॉइस करके एक
खाना चाहिए, ट्राई तो करना चाहिए। मैं तो गुजराती हूँ, मैं तो पक्के गुजराती हूँ, मेरे को तो हर चीज़ खाने में बहुत शौक है। तो मैं शौक रखती हूँ, मैं चाहती हूँ आप भी रखो। और मेरे प्रोफेशन में बताऊँ तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं चाहती हूँ ये आप मेरे आईडी चेक करेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को भी फॉलो करें और मेरी आईडी को भी शेयर करें, उनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़ गाइस। और हमारे साथ उनकी फ्रेंड भी है यास्मीन जी। तो यास्मीन जी, आपकी तो काफ़ी बढ़िया हिस्ट्री है एमएम के साथ में, तो आपने यहाँ यहाँ पे क्या ऑर्डर किया? आपको भी मैं यहाँ का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। देख सकते हो आप जो कि है ड्राई फ्रूट्स वगैरह का सेक्शन है, उस तरफ भी आपको जो कि है पैक मिठाइयाँ यहाँ पे देखने मिल जाएगी। काजू कतली मिक्स मिठाई बोलते हैं, मिक्स मिठाई के पैक से यहाँ पे आगे आ जाओ। आगे आप देख सकते हो 520-390 और क्या बोलते हैं, प्राइसिंग भी काफ़ी बढ़िया है। ड्राई फ्रूट्स के बॉक्सेज हैं यहाँ पे। दिवाली का टाइम आ रहा है, आपके फैमिली और फ्रेंड्स को आप क्या बोलते हैं गिफ्ट कर सकते हो एमएम से लेके। और गिफ्ट पैकिंग भी मिल जाती है आपको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, जैसे कि बहुत ही बादामी हलवा फेमस है यहाँ पे, उसमें भी बहुत सारे कलर्स और वैरायटीज मिल जाएंगी आपको। और जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो रसगुल्ला, केसर रसगुल्ला, छिन्ना अंगूर, क्या बोलते हैं केसर रसमलाई, तो ये सारे आइटम है। और एक सेक्शन है पूरा जो कि बंगाली सीट से भरा हुआ है। अभी यहाँ पे कस्टमर्स हैं तो आप देख सकते हो, और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है कि अपने मास्क वगैरह सबने पहन रखा है। अभी मेरे को तो उतरना पड़ेगा बात करनी है आपसे तो। और यहाँ देख सकते हो आप स्नैक्स कॉर्नर है, यहाँ पे आपको जो कि है सेक्शन पूरा डेडिकेटेड है। यहाँ इतनी लोगों की दुकानें होती हैं मिठाई की, इतना सेक्शन से यहाँ पे स्नैक्स के लिए डेडिकेटेड है। चिप्स हैं यहाँ पे, बिस्किट्स हैं और पैक्ड आइटम्स हैं, तो आप सेफली अपने घर ले जा सकते हैं। और क्या बोलते हैं क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मेन बात मुझे क्या कि इतनी अच्छी लगती है यार, एमएम की ब्रांडिंग है, आप कोई भी यहाँ पे ले लो एमएम की ब्रांडिंग है। और इसका पैक फूड भी जो कि ऊपर सील वाला है, तो आप ओपन करके जो कि इसको खा सकते हो, फिर वापस से सील करके बाद में एंजॉय कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का दिन एमएम में, एक शॉर्ट प्यारा सा वीडियो। मुझे ये दुकान बहुत टाइम से कवर करनी थी, जब से मैंने फूड ब्लॉग स्टार्ट किया है। इस जगह से काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं और फैमिली वगैरह के साथ हम आते ही रहते हैं। जैसे हमने कस्टमर से आपको मिला है यास्मीन जी, वो 15 ईयर्स से यहाँ पे आ रही है और लस्सी वगैरह यहाँ का काफ़ी फेमस ही है। स्नैक्स वगैरह हमने आपको दिखाया और यहाँ तो ज़रूर आइए यहाँ पे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दिवाली का सीज़न है, कस्टमर्स ही कस्टमर्स हैं यहाँ पे, तो या लगी हुई है दुकान, आप आइए, आपकी खातिरदारी भी की जाएगी और प्राइसिंग भी काफ़ी बढ़िया है, क्वालिटी तो सुप्रीम है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।